फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे सारी चीजें देख के, तो हमने सोचा कि चलो जल्दी से ना अनबॉक्सिंग कर दे इस चीज की। आप आदत डाले जब मेरी वीडियो बनना शुरू, घर के जिस कोने में होना स्कीना चीख मार के बताने आ जाती कि वीडियो शुरू हो गई। तो अभी जी काफी सारी चीजें मिली हैं और बच्चों के लिए एनवेलप्स भी हैं, पैसों के भी, वो भी आपके सामने खोलेंगे, हमने अभी तक खोले नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, जो आंटी कल सूप लाई है ना बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें, वो एक जो है वो जली का पैक है, काफी बड़ा सा। बच्चों ने क्या खानी है, खुद भी साथ ही खाएंगे हम साथ। ये जली से खाते ये साथ आ गई है जी कुकीज, साथ ये है चॉकलेट वाली कैंडीज, और उसके साथ ना ये वाली चॉकलेट्स का भी एक पैक है। ठीक है, और वो किटकैट भी है। हाँ, ये किटकैट चॉकलेट का भी पैक है। ठीक है, ये सब खाने पीने की चीजें हैं, और इसके अंदर जो है ना तो बरुक आया उमरे का, पानी भाई भी का, शान के साथ गए थे ना उमरा करने, तो साथ एक खजूरी है और आबे जमजम भी है। बारिश की ना पीछे हो जाओ, ये हो गया। उसके बाद ना आंटी ने मुझे दिया है ये बड़ा ही खूबसूरत सा हैंडबैग, कलर बहुत प्यारा है, वेरी नाइस बैग, बहुत प्यारा है। ये है जी मेरा बैग। ठीक है, और अम्मी के लिए ना बड़ा ही प्यारा आया है सूट, अच्छा वेलवेट का सूट है पलच्छी का, कलर भी बड़ा प्यारा, थोड़ा सा फोल्ड करा दे बेटी, बहुत प्यारा है, देखो ना शाइन भी बड़ी अच्छी है। और ये हो गए जी, अच्छा नहीं एक गिफ्ट और भी है अभी, ये का शान लोगों के रूम की जो है ना वो बेडशीट की आंटी ने दी है। असल में ये बेडशीट्स इस तरह के जो प्रिंट्स है ना, ये पाकिस्तान से, यहाँ की प्लेन बेडशीट्स होती है, वो फिटेड शीट्स हैं जो बेड्स पे जो है ना वो डालना बड़ा औखा काम है, ये बेडशीट्स बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये जी का शान और कोमल को बेडशीट भी मिली है, और ये जो है ना मेरा नैना का और कोमल का, मैंने कहा कि मैंने आपको सूट भी देने थे लेकिन वो भी थोड़े से डिले है, वो हमें बाद में मिलेंगे। ठीक है जी, ये आंटी की तरफ से हो गए जी, और साथ ना एनवेलप्स हैं जी, एक है याम फातिमा का आंटी की तरफ से, और एक जो है ना बाली स्कीना का। पहले ना मैं बाली स्कीना का ही खोल देती हूँ, लिखा हुआ फॉर बाली स्कीना, बाली स्कीना तुझे मैं देती हूँ, ठहर जा। अच्छा जी, बाली स्कीना के पैसे निकल आए हैं 100 यूरो ने ना, बाली स्कीना का निकला है जी 100 यूरो। आंटी ने कहा मैं इसके कपड़े नहीं लाई, तो आपने कपड़े ले लेना, तो ये भी आंटी कल फॉर्म की तरफ से बाली स्कीना के लिए है। ठीक है, अब एक एनवेलप है यहाँ फातिमा का, ये ना ये मेरा घर है मामा, ये वो आपे की कमीज खींची से बुलाना अपनी तरफ, इधर बाली स्कीना जी। हयाम फातिमा का निकला है 50 यूरो। ठीक है जी, और 100 यूरो स्कीना के लिए, क्योंकि स्कीना को आंटी ने फर्स्ट टाइम देखा था, और 50 यूरो हयाम फातिमा के हैं। तो ये जो है ना इन दोनों के पैसे निकले, और आंटी ने कहा कि इन्हें कपड़े लेके देने हैं आपने, क्योंकि वो कपड़े नहीं लाए। तो आंटी की तरफ से गिफ्ट्स हो गए कम्प्लीट, हमारे सूट उधार है, आंटी वैसे वीडियो देख रही होनी, वो हमें बाद में मिलने हैं, वो जब मिलेंगे ना फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, यूके से आई थी उनकी सिस्टर रुबीना आंटी, वो भी हमारी पक्की पक्की आंटी, हमने उनके पास यूके भी जाना है, तो वो लेके आई है गिफ्ट मेरे लिए और बच्चों के लिए, तो मैं वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। बच्चों तीनों के एनवेलप्स हैं, और ना मुझे उन्होंने दिया है ये मामा, वो मेरी कमीज के साथ सिर्फ खेल रही है नीचे, कोई बात नहीं। शराग टाइप वाह जी वाह, शराग है तीना जानू, मैं कैसे दिखाऊंगी तुम नीचे आके खड़ी हुई हुई। अच्छा जी, मुझे जो है ना आंटी ने दिया है ये शराग की, ये हाँ जी बहुत, अभी नीचे खड़ी मैं पूरा कैसे दिखाऊं है, ये जो नीचे खड़ी है अम्मी सीना को मास्क दे ना, और ये बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही वार्म है, ये लो ये लो ये जाओ लेके आओ चीजी, लेके आओ अम्मी से, जाओ ये लो पकड़ो, जाओ अम्मी से चीजी, जाना ही नहीं इसमें, नहीं जाना। चले जी, ये आ गया है मेरे लिए शराब की, रुबीना आंटी ने दिया मुझे। ठीक है, मैं दिखा दी। उसके बाद जो है ना बच्चों तीनों के एनवेलप्स हैं, ये मैंने खोल दिए, ये मैंने पहले खोले,
सबसे पहले हुसैन का फूल दे, रुबीना ने हुसैन को दिखा दिया। अच्छा जी हुसैन के निकले हैं 20 €। ओके, उसके बाद हयाम का मैंने खोल लिया था, हयाम के भी 20 €, क्योंकि वो बच्चों को पहली दफा मिली थी तो उन्होंने जो है ना वो ये दिया। और ये है बाली स्कीना का, उनकी तरफ से, तो इसमें स्कीना के भी हैं 20 €। तो चले जी, थैंक यू सो मच कल्सूम आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रुबीना आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी खुलूस और मोहब्बत से आप हमारे पास आए थे, मिलने आए थे, हमारे लिए यही बहुत था। और इन सब गिफ्ट्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वैसे एक बात है जो मैं वैसे नेचुरल होती है कि इंसान के पास जो कुछ मर्जी हो ना, गिफ्ट्स की एक्साइटमेंट बहुत होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब गिफ्ट्स वगैरह मिले, हम एक्साइटेड भी होते हैं, खुशी से खोलते भी हैं। साथ जो है ना वो केक भी है 2 pounds का, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो था पाइनएप्पल केक था, पाइनएप्पल केक है, वो भी दिखाती हूँ। और ये सारे माशाल्लाह से गिफ्ट्स आए हैं, सारी चीज़ें ही माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। येलो स्कीना, बाली स्कीना, येलो स्कीना, इधर आ जाओ। नैना को कहती है, नैना मेरा नाम रखा हुआ है, मेरी छेड़ बनाई, जहां मैं जाऊँ ना मुझे दूर से आवाज देती है, ए अपना लेके चली गई एनवेलप। अभी मैं ये बच्चों के पैसे संभाल लूंगी, क्योंकि बच्चों को हम करवाएंगे शॉपिंग, और बच्चों के इन सब पैसों में बहुत सारी चीजें आ जानी है, ये अब सारी चीजें संभालते हैं। मैंने सोचा जो जो हमें गिफ्ट्स मिले हैं वो आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, बड़ा वॉर्म है, ये सर्दी में यहाँ अच्छा है। तो चले जी, अभी अपनी सारी चीजें संभालते हैं, सारे गिफ्ट्स माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, आपने भी बताना है आपको गिफ्ट्स कैसे लगे हैं, और फिर अभी कुछ खाते पीते हैं और फिर आपसे ठहर के मिलते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है ना, मैंने कहा चलो श्रग पहन के ट्राई कर लूं, साइज ठीक ही है मेरा, सही में बहुत अच्छा, और है भी अच्छा ना, मॉम साइज भी ठीक आ गया। चले हम बेस्ट है, हाँ आपको पिन या ब्रश लगा लूंगी ना, अभी तो सर्दियों में ये काफी अच्छा यूजफुल रहेगा, और साइज भी बड़ा एक्यूरेट है। तो चले अभी सब चीजें समेटते हैं, मैंने सोचा ट्राई किया था आप लोगों को दिखा रही हूं। माशाल्लाह जी, इधर देखें हनी की आज छुट्टी है, तो वो खुद बेचारा थका हुआ होता है, तो हुसैन जो है ना वो उससे इतनी ज़्यादा खिदमतें करवा और मसाज करवा रहा, और इतने मज़े से करवा रहा ना, खुश हो के कह रहा कि मुझे दबाए या मसाज करे, और बहुत देर से लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि जो है ना इसको मैं कैमरे में मैंने कहा सेव करती हूँ कि पता चले भी हुसैन की कितनी खिदमतें हो रही हैं। और इधर देखे हैं यहाँ फातिमा, और इन्होंने घर की क्या हालत की हुई है, हयाम अपनी गाड़ी पे है, इधर माशाल्लाह से बाली स्कीना अपनी गाड़ी पे है, और ये एक दूसरे के रास्ते रोक रही है, माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है, और सारी बच्चियाँ जो है ना वो स्कूल गई हुई हैं, और इधर इसकी अटकेलियाँ देखे अपने मामू के साथ, हुसैन की यानी से बहुत बनती है, और कुश्तियाँ भी करवा रहा है, खिदमतें भी करवा रहा है, और कह रहा कि मुझे ज़्यादा पारियाँ करें। और हयाम फातिमा ने बड़ी मुश्किल से इसको छोड़ा है, वो कहती थी मेरे मामू हैं, और हुसैन कहता है मेरे मामू हैं, और आज छुट्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लड़ाइयाँ भी और प्यार भी, और तीनों कुछ बोल भी रहा है ना, कुछ कह छोड़। अच्छा जबान इसकी बहुत साफ है हनी, ये जो आप लफ्ज बोलते हैं ना, ये तकरीबन ना स्पेनिश में भी बोलता है, मेरे जोर से पकड़ा, मुझे कहता छोल छोल, हाँ कहता छोल, और मुझे रात को कहना ना सो ना छो ना छो, और मुझे कहता बार बार कहेगा चीको पुमा 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 पुमा, ये इधर चीको कहते हैं ना बच्चे को, लड़के को चीको कहते हैं, ये मुझे बार बार कहेगा चीको चीको, मैंने कहा इसकी टीचर कहती होनी इसको भी चीको, ये ऐसे ही फिर कर रहा है इसलिए। और बाली स्कीना कुछ सोच रही है। अच्छा जी, अभी व्लॉग का एंड करने लगे थे तो मुझे ना कुछ मैसेजेस आए हुए थे, मैंने विश कर लिया, यहाँ पर इसको स्कीना को पता चल गया वीडियो बार है, यहाँ पर हुसैन सो गए, उनकी रूटीन बड़ी अच्छी सेट हो गई है। आईडी नेम है शहजाद रोज, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आपको आपकी पहले गुजर गई थी, विश नहीं कर सकी थी। और उसके बाद जो है ना अच्छा, मेरी एक बड़ी उमर है याद के नाम से इनकी आईडी है, आप सबने इनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह मियां इनके जो भी हाजात हैं, जो इनके दिल में दुआएं हैं वो पूरी करें, आमीन। और इसके बाद बुशरा फ्रॉम उकाड़ा, हैप्पी बर्थडे, आपको भी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हज़ारों साल जिए, हमेशा खुश रहें। और जी 17 अक्टूबर को है मेरी बड़ी प्यारी फॉलोअर हैं, उनकी बर्थडे भी,
और इनका नाम क्या है जी? रुबाब तानिया। रुबाब तानिया, आपको एडवांस हैप्पी बर्थडे। और खुशी की खबर यह है जी कि अबू माशाल्लाह से वापस आ रहे हैं, और क्योंकि वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उदास हो जाते थे, और जिस सेंटर में वो थे, जो इस्लामिक सेंटर है, वहाँ कुछ टाइम के लिए उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब वो मतलब हम अब उनको कहते हैं क्योंकि काफ़ी गैप हो गया कि वहाँ वापस आ जाएं, तो अभी चल रहे हैं उनकी मतलब पहले मामला चल रहे हैं, वो जो लोग हैं वो आने नहीं दे रहे, तो हम अबू से कहते हैं कि नहीं आप वापस आ जाएं, क्योंकि अबू के साथ माशाल्लाह रूटीन बड़ी अच्छी होती है, अबू अब घर नहीं है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक सब कुछ हो जाता है, एक उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी भी काफ़ी डल और डाउन हुई हुई है, तो अबू की भी आजकल ना उन्हें भी चेस्ट इन्फेक्शन हुआ गया, बाकी से सर्दी भी आ रही है, तो हमने अबू से अब कहा है कि आप जो है ना बात कर लें जितने भी उनके हैं सारे वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स वगैरह जिनकी वजह से वहाँ पर इस्लामिक सेंटर में वो है, उनसे बात करें कि आपको जो है ना बार्सिलोना वापस आना, जिस हिसाब से वो दीन की खिदमत करते हैं हम इससे ज़्यादा उन्हें ज़बरदस्ती भी नहीं करते, क्योंकि हमारा प्लान है नेक्स्ट वीक उनके पास जाने का, तो लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि शायद अबू ही वापस आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये सर्दी जो है ना उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, और हॉलैंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अब खुशी की खबर यही है कि थोड़ी देर पहले अबू से बात हुई थी, तो अबू ने जो है ना इंशाल्लाह जो है कुछ ही दिनों में ना वापस आ जाना है और परमानेंटली हमारे पास ही आ जाना है। अच्छा आप बच्चों में रहें, घर में रहें, अम्मी के साथ रहें, हम सबके साथ रहें, तो यही ज़िंदगी है, दीन की खिदमत भी करते हैं वो, और अभी लेकिन यह है कि देखें आज फाइनल ऐसे हो गया कि अबू घर वापस आ रहे हैं, तो क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने 6 माह जो है वो ऑलमोस्ट 6 माह से ज़्यादा स्पेंड कर लिए हैं उधर, तो आई होप सो आने वाले कुछ दिनों में अबू आपको डेली ही यहाँ घर में उनकी आवाज़ें इंशाल्लाह सुनाई देती रहेंगी, और हम भी चाहते हैं कि वो बस हमारे साथ, अम्मी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ रहें। इस तरह से बाहर रहना जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूरी थी उनकी, हॉलैंड वालों की, तो जो है अबू को जाना पड़ा, तो लेकिन वो अपने वैसे भी इस काम में ना प्रोफेशन काम में वो खुश रहते हैं, तो लेकिन अब तबीयत ठीक उनकी नहीं है, तो अबू इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, तो हमारे घर में आज माशाल्लाह सारे बड़े खुश हैं, एक्साइटेड भी हैं कि अच्छा अबू वापस आ जाए, क्योंकि अबू के बगैर बड़ा अजीब सा लगता है, घर बिल्कुल खाली खाली सा लगता है, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अबू वापस आ जाएंगे, और यही खुशी की खबर थी, मैंने सोचा आपको शेयर करूँ, आपको गिफ्ट कैसे लगे वो भी बताइएगा, और अबू जैसे ही वापस आएंगे फिर सबके लिए इंशाल्लाह स्पेशल दुआ भी करवाएंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे लिए, अम्मी के लिए, हुसैन के लिए, पूरे घर वालों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।